आज 13 जुलाई है। 13 जुलाई साल के सातवें महीने का 13वां दिन भारत और विश्व इतिहास में अपना एक खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। तो आइए नजर डालते हैं 13 जुलाई की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर। आज के दिन 13 जुलाई 1923 में कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में माउंट हिल्स के पास जमीन की कीमतों को बढ़ाने के लिए प्रचार के मकसद से हॉलीवुड लिखा गया था। शुरुआती आकृति का आकार भी सिर्फ 50 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा था, जिसे बाद में विशालकाय बनाया गया। जमीन जायदाद से ज्यादा सिनेमा की पहचान बन जाने के बाद 1949 में इसमें बदलाव किए गए और इसमें से लैंड शब्द अलग कर दिया गया। क्रांतिकारी जतींद्र नाथ दास आज के दिन 13 जुलाई 1929 को आमरण अनशन पर बैठे थे। करीब 3 माह बाद उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। जतींद्र नाथ दास अपने प्राणों की आहुति देते हुए भावी क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। महज 24 साल में जतींद्र नाथ दास ने अंग्रेजों के क्रूरता के विरुद्ध राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए अनशन करते हुए 13 सितंबर 1929 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपातकाल के दौरान देश के तत्कालीन जनता पार्टी सरकार ने भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण समेत बाकी नागरिक सम्मान आज के दिन 13 जुलाई 1977 में देना बंद कर दिया था। इन्हें 3 साल के अंतराल के बाद दोबारा शुरू किया गया था। दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा ने प्राप्त किया था। भारत के लिएंडर पेस ने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप में अपने जीवन का पहला ATP खिताब आज के दिन 13 जुलाई 1998 में जीता था। साल 1997 से लिएंडर पेस और महेश भूपति दुनिया भर में पुरुष युगल प्रतियोगिताओं में नियमित रूप से टीम बनाकर खेलने लगे थे। इस जोड़ी को जल्द ही इंडियन एक्सप्रेस का नाम दिया गया। आज के दिन 13 जुलाई 2011 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सीरियल बम धमाकों से दहल उठी थी। ये बम धमाके मुंबई के झवेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर में हुए थे। इस हादसे में 26 लोगों की जान चली गई थी और 130 से ज्यादा लोग घायल हुए। इससे पहले साल 2006 में 11 जुलाई को लोकल ट्रेन में बम धमाके हुए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।